यू गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज मैं बताने वाला कैसे अपना एमसीपी में जॉम्बी एपोकलाइज मोड आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली भाई ये सबसे ज़्यादा डेयरिंग मोड है जो अभी तक मैंने देखा है। ये इतना ज़्यादा डेयरिंग मोड है, इसमें आपको जॉम्बी इतने ज़्यादा खतरनाक मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा खतरनाक जॉम्बी होंगे। तो अगर आपसे उसको डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से यहाँ पर आकर इसको डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेगा, एक होगा बिहेवियर पैक का और एक होगा रिसोर्सेज पैक का। मैं काम करता हूँ, पहले मैं बिहेवियर पैक को डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर दूसरा टैब में मेरा रिसोर्स पैक भी है और मैं फिर रिसोर्स पैक को भी डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद दोनों देख लेता हूँ मेरा डाउनलोड हुआ कि नहीं। तो वैसे मेरा ये दोनों डाउनलोड हो चुका है, बिहेवियर पैक भी और रिसोर्स पैक भी। फिर जैसे ही आपको डाउनलोड दिया उसके तरह आपको अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो ये आपको मिल जाकर फाइल मैनेजर में आरजू वाला ऑप्शन में, इसके ऊपर क्लिक करके इसके अंदर जाना है। उसके बाद ये फाइल के ऊपर क्लिक करके दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सबसे पहले मैं पहला वाला एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद दूसरा वाला भी मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। फिर दोनों एक्सट्रैक्ट हो गया, फिर व्यू का ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको दोनों फाइल मिल जाएंगे। तो एक काम करना है आपको, ये पहला वाला को सेलेक्ट करना है, मूव के ऑप्शन में क्लिक करना है, गेम्स के फोल्डर में फोमोजैंग में बिहेवियर पैक में जाकर उसको मूव कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए हम लोग का बिहेवियर पैक आ चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ है बिहेवियर पैक। उसके बाद फिर हम लोग वापस रिसोर्स पैक में चल जाते हैं, यहाँ पर होगा डाउनलोड के फोल्डर में, यहाँ पर होगा जॉम्बी एपोकलाइज, ये होगा आपका रिसोर्स पैक का। तो इसको भी आपको मूव कर लेना है, गेम्स के फोल्डर में कोमोजैंग में रिसोर्स पैक में जाके इसको मूव कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं रिसोर्स पैक में हम लोग का रिसोर्स पैक है जॉम्बी एपोकलाइज का, और यहाँ पर बिहेवियर पैक में बिहेवियर पैक है। तो फिर जैसे ही आप कर ले उसके अंदर आपको उतना माइनक्राफ्ट में कर लेना है, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो क्या जैसे ही आप कंबाइन करोड होने जाओ उसके अंदर यहाँ पर आपको प्ले में क्लिक करके एक वर्ल्ड बना लेना है, लेकिन वर्ल्ड बनाने से पहले यहाँ पर आपको रिसोर्सेज और बिहेवियर से दोनों को एक्सपो एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बिहेवियर पैक से एक्टिवेट कर लिया, उसके अंदर यहाँ पर ये रिसोर्स पैक भी है, इससे भी मैं एक्टिवेट कर लिया। उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल में जाके ये पूरा सबको इनेबल कर देना है आपको। फिर आप जैसे ही ये कर ले उसके अंदर आपको अपना वर्ल्ड को क्रिएट कर लेना है। तो फिर चलते डायरेक्ट वर्ल्ड के तरफ और मैं दिखा देता हूँ ये वर्ल्ड कितना ज़्यादा ओपी होने वाला है, मतलब ओपी नहीं डेयरिंग होने वाला है। तो गाइस मेरा वर्ल्ड ओपन हो चुका है। फिर जैसे ही आपका वर्ल्ड ओपन हो जाए उसके अंदर यहाँ आपको इस स्टॉप के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर जाके आपको वर्ल्ड को क्रिएटिव कर लेना है। तो फिर एक कर लेता हूँ, ओके मैं कर लिया हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ये जॉम्बी का एग ले लेना है। तो सबसे पहले मैं ये जॉम्बी का एग ले लेता हूँ। उसके अंदर यहाँ पर आपको कोई भी मॉब्स मैं ले लेता हूँ, जैसे शीप ले लिया मैंने, तो शीप्स को हम लोग यहाँ पर ओके शीप को स्पॉन किया तो ये स्पॉन हो गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसको मारने लगेगा। तो फिर एक काम करता हूँ मैं दो चार को ये जॉम्बी को स्पॉन करता हूँ, उसके तरह मैं आपको दिखा देता हूँ ये हम लोग मतलब ये कितना ज़्यादा डेयरिंग मोड होने वाला है। तो यहाँ पर मैं कुछ कुछ जॉम्बी को स्पॉन कर देता हूँ। तो बस मैं इधर कुछ कुछ जॉम्बी को स्पॉन कर दिया हूँ। उसके तरह एक काम करता हूँ मैं एक नेदरराइट का आर्मर ले लेता हूँ। तो गाइस मैं नेदरराइट का आर्मर और एक नेदरराइट का स्वॉर्ड ले लिया हूँ। तो एक काम करता हूँ वर्ल्ड को जल्दी से मैं सर्वाइवल कर लेता हूँ। तो गाइस मैं वर्ल्ड को सर्वाइवल कर लिया हूँ, अरे भाई हो भी जा। उसके अंदर अब देखो मैं कितना देर यहाँ पर सर्वाइव करता हूँ। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं मैं पूरा नेदरराइट का आर्मर में था, फिर भी ये जॉम्बी लोग ने मुझे तुरंत ही मार दिया। तो गाइस ऐसे ही अपने माइनक्राफ्ट में डाउनलोड कर सकते हैं ये डेयरिंग मोड। तो हो गया वीडियो चली गई, वीडियो के लिए लाइक जरूर देना, चैनल जरूर करके देखने, बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।